हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आज को हम बात करने वाले फ्रेंड वो है आपका 3 नए जॉब रिक्वायरमेंट। बता दो फ्रेंड, इससे पहले मैं बहुत सारी कंपनीज के वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी कंपनी रिक्वायरमेंट कर रही है, एग्जाम अभी भी चल रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई करा तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड इस वीडियो में बात करते हैं टीसीएस कॉग्निजेंट एंड इन्फोसिस के रिक्वायरमेंट के बारे में, और बता दो सभी का लिंक दे दूंगा अप्लाई करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, लेकिन वीडियो को इन तक जरूर देखना। काफी कुछ हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है रेनिंग हायरिंग चल रही फ्रेंड टॉप एमएनसी कंपनीज में, और यहाँ पर ये पहले बार ऐसा देखने को मिल रहा है कंपनियां बैक टू बैक रिक्रूटमेंट कर रही है। चलिए फ्रेंड अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट फ्रेंड रिक्रूटमेंट कर रही है प्रोसेस एक्जीक्यूटिव वॉइस रोल के लिए। फ्रेंड आपका जो रोल होने वाला है जेडी में पीएस पीएसएमई न्यू एनालिस्ट रोल के लिए, और बता दो फ्रेंड यहाँ पर 0 to 6 वर्क ईयर ऑफ एक्सपीरियंस प्रीफरेबली एज अ रिपोर्टर कन्वर्टिंग ब्रेकिंग न्यूज एंड और वर्किंग इन डिजिटल मीडिया और एजुकेशनल इक्विवेलेंट। बता दो फ्रेंड यहाँ पर अगर आप लोग भी किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से हो, ब्रांच से हो, बैच से हो, ग्रेजुएट बैच हो, तो आप लोग एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड यहाँ पर आपका क्या होने वाला जॉब रोल, आप कौन, मतलब आप में क्या होना चाहिए, लोकेशन गुड़गांव का आपका होने वाला, 24/7 का रोटेशनल शिफ्ट होने वाला है, फुल टाइम आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। हरियाणा का लोकेशन आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। अप्लाई करना बहुत सिंपल है, अप्लाई जरूर करना। अप्लाई करने से पहले आप लोग कंपनी के अनुसार अपने रेज्यूमे को अपडेट जरूर करें। आप लोग किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आप लोग कंपनीज के रिक्वायरमेंट को पढ़ो, जेडी को पढ़ो, स्किल्स को पढ़ो, उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे को जरूर अपडेट करो। एक बार अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गया उसके बाद आप लोग आराम से जो है इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने रेज्यूमे को जरूर अपडेट करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तभी अप्लाई करो, ठीक है। अगर आप लोग देख लो कि हाँ मेरे हिसाब से मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ तभी आप लोग अप्लाई करना, और सिंपल से आप लोग फॉर्म को फिलअप करके आपको फ्रेंड्स के लिए जो है यहाँ पर अप्लाई आपको कर देना होगा। सेकेंड बात करते हैं यहाँ पर निंजा और डिजिटल, मतलब फिर यहाँ पर डिजिटल की बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो डिजिटल के लिए आपको रिक्रूटमेंट अभी आ रही है देखने को, आईटीपी रिक्रूटमेंट यहाँ पर निंजा और डिजिटल दोनों के लिए आने वाला है। अगर आप लोग डिजिटल के लिए जा रहे हो तो फिर आप लोग को जो है यहाँ पर पार्ट भी आप लोग को अटेंड करना पड़ेगा फ्रेंड, जो कि आपका एक ही, वो तो कमेंट पूछ रहे सर क्या दोनों एक ही दिन होने वाले हैं फिर डिफरेंट डे होने वाले, बता दो फिर ये आपका दोनों जो है एक ही दिन देखने को आने वाले हैं, और यहाँ पर आप लोग प्रिपरेशन वगैरह भी कर सकते हो। इसके लिए आप लोग जो है बैचेस हैं 2022, 2021 एंड 2020 पासवर्ड बैच के बी बी टेक एमई एम टेक एमसी एमएससी के लोग एलिजिबल हैं, और यहाँ पर फिर आप लोग जो सिंपली अप्लाई फॉर ड्राइव करना होगा नेक्स्ट पोर्टल पर जाकर। दैट्स इट। थर्ड एंड लास्ट बात करते हैं यहाँ पर इन्फोसिस रिक्रूटमेंट करी एनालिस्ट ट्रांजिशन के लिए, बता दो फिर इसका लास्ट डेट बहुत जल्दी इंड हो जाएगा। जो भी एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए अप्लाई जरूर करना, और आप लोग अगर आप लोग बी बी टेक से बिलोंग कर दो तो भी आप लोग इस पर ट्राई कर सकते हो अप्लाई करने का, काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है इन्फोसिस टीम की तरफ से, सैलरी फिर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और लोकेशन आपका होने वाला बेंगलुरु का, अप्लाई जरूर करना। अगर आपके पास जो है ट्रांजिस्टर का आपके पास नॉलेज वगैरह स्किल्स वगैरह होगा तो नहीं होगा तो फिर भी आप लोग एक बार गूगल सर्च कर लेना, अप्लाई जरूर करना। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नंबर पर क्लिक करना होगा, फिर इस पर भी आपको सिंपली अप्लाई करने के लिए आपको जो है नेक्स्ट पोर्टल पर आपको अप्लाई फॉर ड्राइव करना होगा, लिंक सभी का मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, अप्लाई जरूर करना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।